हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आई लव स्टूडेंट सुमित कुमार। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन। बहुत से संबंधित प्रत्येक वीडियो मिलेगी इस चैनल पर आपको क्लास 10 एंड 12 दोनों के लिए, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो है वह फिजिक्स, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये पार्ट टू है, मैंने पार्ट वन अपलोड कर दिया है जिसमें हमने प्रकाश का अपवर्तन और उससे विभिन्न परिभाषाएं बताई थी। तो आज हम आपको बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन, आखिर क्या है प्रकाश का अपवर्तन। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, जिस तरीके से आपने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और यहाँ पर देखिए जी, क्या है हमारा अविलंब, ठीक है, ये कोई माध्यम है और ये कोई माध्यम है, जैसे मान लिया वायु, कांच, पानी, कुछ भी माना, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जैसे इसे जाना तो इस तरह से चाहिए था लेकिन ये इसकी तरफ अभिलंब की तरफ झुक गया। इसी तरह से प्रकाश को जाना तो इस तरह से चाहिए था सीधे, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गया। इसे ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। डेफिनेशन बोलें एक लाइन में तो, प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश या तो अविलंब की ओर झुक जाता है या अविलंब से दूर हट जाता है। अब आपको बताएंगे अविलंब की ओर कब झुकता है, अविलंब से दूर कब हटता है। देखिए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, जी हमारा सघन माध्यम है, ऊपर वाला है विरल। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, ये है हमारा अविलंब। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो जो हमारा कौन सा माध्यम है, सघन, और नीचे वाला कौन सा है, विरल। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, जो किरण आती है, मैंने आपको बताया कौन सी किरण है, आपतित किरण, और जो यहाँ से टकराने के बाद चली जाती थी उसे बोलते थे हम परावर्तित किरण, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, ठीक है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बने हुए कोण को कहते हैं आई, यानी अपवर्तन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने हुए कोण को बोलते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है, आई अपवर्तन, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। अब देखिए अपवर्तन के नियम, जिस तरीके से हमने प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ते हैं, उसी तरह से पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। इसमें क्या है, कोण आई बराबर होता है कोण आर के, कोण आई बराबर होता है कोण आर के, प्रथम नियम। इसी तरह से स्नेल का नियम होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके आपतन कोण की ज्ञात, तो इसे बोलेंगे साइन आई व साइन आर, ठीक है, साइन आई साइन आर का अनुपात माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, हम प्रकाश के अपवर्तन अपवर्तन के दो नियम पढ़ेंगे, हमने प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम पढ़े थे। तो हम प्रथम नियम में क्या बोलेंगे, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, प्रथम नियम। दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियत होता है, यानी अनुपात माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन के बराबर होता है। प्रथम माध्यम वन यू टू बराबर साइन आई बटे साइन आर, यानी अनुपात होता है, इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। अगर परीक्षा में आए स्नेल का नियम किसे कहते हैं, अगर परावर्तन के बारे में आए तो आपको परावर्तन के बारे में लिखना है, यहाँ पर अपवर्तन के बारे में किस तरह से लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात माध्यम के सापेक्ष, यानी माध्यम के सापेक्ष, एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तन के अनुपात में होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, वन यू टू इजकल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इसे कहते हैं स्नेल का नियम। इसी तरह से और भी टॉपिक क्लियर करते हैं, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। अब देखिए क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, देखिए क्रांतिक कोण जो हमारी है अपवर्तित किरण, आपतित किरण जो है हमारी अपवर्तित किरण। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो मैंने आपको बताया था कि वो अविलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से
दूर हट जाती है। तो हम क्रांतिक कोण को लिखते हैं सी, यानी साइन सी बराबर म्यू मतलब विरल माध्यम का अनुपात बटे सघन का, यानी विरल बटे सघन। तो हम इसे क्या लिखेंगे, म्यू आर बटे म्यू डी। तो यहाँ पर देखिए, तो क्रांतिक कोण कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सी, इधर क्या है साइन, साइन को इधर ले जाएंगे तो बटे में आता है, तो इसे ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। तो सी इजकल टू साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी। तो हमारा ये क्या है क्रांतिक कोण। डिफिनेशन बोले तो एक लाइन में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, यानी साइन सी बराबर विरल अपॉन सघन म्यू आर अपॉन म्यू डी। और सी इधर लिखेंगे तो साइन, हम इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी। तो ये हमारा है क्रांतिक कोण, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर तो देखिए, यहाँ पर हम क्रांतिक कोण को इस तरह से ही बता सकते हैं कि वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, यानी वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। यानी जे है हमारा आपतन कोण, जे है अपवर्तन कोण। तो हम क्या बोलेंगे, वह आपतन कोण जिसका मान अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण के लिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ठीक है। यह आपको याद रखना है कि क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करने के लिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। I इजकल टू सी, आर इजकल टू 90, मतलब हमारा जे कौन सा अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं क्रांतिक कोण। अब देखिए यहाँ पर आप बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। आपतन कोण बड़ा होता है क्रांतिक कोण से, सघन माध्यम है ये विरल माध्यम है। आपतन कोण बड़ा होता है क्रांतिक कोण से जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अपवर्तक सतह की तरफ अभिलंब से, मतलब अपवर्तक सतह की तरफ अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो, i = c, तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप समझिए, आप देखिए ये हमारा सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी परावर्तक पृष्ठ की ओर झुक जाती है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में, यानी जो हमारा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है तो प्रकाश की किरण हमारी उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसे हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, जल में जो होता है बुलबुले उठते हैं उनको कहते हैं, ये सब क्या है अनुप्रयोग, यानी अनुप्रयोग हैं, इन्हें हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण बोल सकते हैं। जैसे हीरे का चमकना, हीरे में क्या होता है, हीरे के अंदर होने वाले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, यानी हीरे का जो चमकता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। हीरे का अपवर्तक 2.42 होने के कारण इसके लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग 24 डिग्री होता है, यानी जो होता है 2.42, ये हमारा क्या है हीरे का अपवर्तांक होता है। हमारा हीरा इसी तरह से चमकता है, ठीक है। हीरा चमकने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। आप समझ लो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, अर्थात ये घटना सघन माध्यम में ही होती है। आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, यह आपको नियम याद रखने हैं। इसी तरह से और भी टॉपिक क्लियर करते हैं तो बने रहिए इस चैनल के साथ। तो देखिए अगला टॉपिक है अपवर्तांक। आखिर है क्या अपवर्तांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। अपवर्तांक निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तांक माध्यम का वह गुण है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है, ठीक है। अपवर्तांक क्या है, अपवर्तांक माध्यम का वह गुण है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है, उसे क्या कहते हैं अपवर्तांक। अपवर्तांक दो प्रकार का होता है, एक होता है सापेक्ष अपवर्तांक, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तांक। तो देखिए सापेक्ष अपवर्तांक क्या होता है, जब प्रकाश माध्यम एक से माध्यम दो में, आप समझिए यहाँ से, जब प्रकाश माध्यम एक से माध्यम दो में
गमन करता है यानी सापेक्ष माध्यम गमन करता है तो उसे क्या बोलेंगे, जब प्रकाश माध्यम एक से माध्यम दो में गमन करता है तब माध्यम एक के सापेक्ष, तब माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तन कहलाता है। यानी जब प्रकाश माध्यम एक से, जैसे इस तरीके से ठीक है, जब प्रकाश माध्यम एक से माध्यम दो में गमन करता है तब हम बोलेंगे माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, यानी n2 अपॉन n1 इक्वल टू v1 अपॉन v2, तो हमारा क्या है जी सापेक्ष अपवर्तनांक। इसी तरह से हम बोलेंगे इसे सापेक्ष अपवर्तनांक का मान प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल v1 और द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल v2 के अनुपात को कहते हैं, ठीक है। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक यानी n2 अपॉन n1, प्रथम माध्यम के प्रकाश की चाल v1, द्वितीय माध्यम प्रकाश की चाल v2, तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे 1 n2 इक्वल टू n2 अपॉन n1 इक्वल टू v1 अपॉन v2। इसी तरह से निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसमें क्या होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है, देखिए इसमें निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है, जब प्रकाश वायु से यानी जो प्रथम माध्यम होता है वो हमेशा वायु होता है, जब प्रकाश वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तब वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। जब प्रकाश वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तब वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक किसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है, इसे लिखेंगे एन सी अपॉन बी। तो यहाँ पर किसी माध्यम में निरपेक्ष का अपवर्तनांक निर्वात में किसी प्रकाश की चाल होती है सी और उस माध्यम में प्रकाश की चाल वी के अनुपात के बराबर होता है एन, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, से लिखते हैं एन बराबर सी अपॉन बी। और आप जानते हैं सी का मान क्या होता है, यानी सी निरपेक्ष अपवर्तनांक जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड आपको याद रखना है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, आपको याद रखना है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए रेखीय आवर्तन किसे कहते हैं, रेखीय आवर्तन का बहुत ही सरल तरीका है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के अनुपात को कहते हैं रेखीय आवर्तन। यानी किसी दर्पण में जब किसी का प्रतिबिंब बनता है तो हम क्या बोलेंगे प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को हम रेखीय आवर्तन कहते हैं। आई प्रतिबिंब का आकार, आई मतलब इमेज, वस्तु का आकार ओ, तो आई अपॉन ओ, एम बराबर आई अपॉन ओ, तो हमारा रेखीय आवर्तन हो जाएगा, यानी एम बराबर हम प्रतिबिंब के आकार को लिखते हैं वी, तभी हम लिखते हैं माइनस वी, वस्तु का आकार यू, तो प्रतिबिंब की दूरी वी, बिंब की दूरी मतलब वस्तु के आकार प्रतिबिंब की दूरी वी, बिंब की दूरी यू के अनुपात को क्या कहते हैं रेखीय आवर्तन, एम बराबर आई अपॉन ओ, आपको फार्मूला याद रखना है। इसी तरह से गोलीय दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध क्या है, अब देखिए 1/f बराबर 1/u + 1/v, यू क्या होता है दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, बी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, एफ दर्पण की फोकस दूरी होती है, दर्पण से हमेशा जो वस्तु होती है वो इस साइड में रखी जाती है, हमेशा माइनस में ली जाती है, दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ले जाएगी चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, ठीक है, आप समझ गए 1/f बराबर 1/u + 1/v। इसी तरह से हमारा हो जाएगा गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। अगर आपने इसकी जो पिछली वीडियो नहीं देखी यानी किस तरह से हम निकालते हैं उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसे जरूर देखें। सरल तरीके से बताया 1/f बराबर 1/u + 1/v किस तरह से निकालते हैं, इसी तरह से आप और भी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। देखिए एक टॉपिक यहाँ पर और क्लियर करते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है, देखिए जैसे कोई प्रकाश कोई माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है यानी अभिलंब से झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर जाती है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती प्रकाश किरण के मार्ग को उत्क्रम कर दिया जाए मतलब उल्टा कर दिया जाए मतलब विपरीत कर दिया जाए, इस तरह से आ रही है फिर इधर से मतलब विपरीत कर दिया जाए उसको, तो क्या है अपने मार्ग पर पूर्व मार्ग पर गति करेगी, जिस प्रकार से आई है उसी प्रकार से जाएगी, अगर प्रकाश की किरण को क्या कर दिया जाए उत्क्रम कर दिया जाए मतलब उल्टा कर दिया जाए, तो इसे कहते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। जैसे माध्यम एक है एन वन, माध्यम दो है एन टू, तो आपने जैसे माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक कैसे लिखते हैं 1 n2 / n2 / n1 और दो के माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक n1 / n2। इसी तरह से हम इसे क्या लिखेंगे 1 n2 बराबर 1 2 n1, तो हमारा ये क्या कहलाएगा उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। डेफिनेशन एक लाइन में बोलेंगे यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
अपवर्तित होती प्रकाश किरण के मार्ग को उत्क्रम कर दिया जाए, मतलब विपरीत कर दिया जाए, तो क्या होगा? वह अपने मार्ग पर, अपने पूर्व मार्ग पर गति करती है, यानी वो फिर से उसी मार्ग पर गति करेगी अगर प्रकाश को यहाँ से उत्क्रम कर दिया जाए, मतलब विपरीत कर दिया जाए, तो इसे कहते हैं उत्क्रमणता का सिद्धांत। ठीक है, इसी तरह से हमारे ये टॉपिक क्लियर होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन दोनों समाप्त हैं। पार्ट वन था पहले वाला, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये पार्ट टू है। इसी तरह से हम कुछ उदाहरण देखते हैं अपवर्तन के उदाहरण। जैसे मैं आपको बता दूं अपवर्तन के उदाहरण, जैसे पानी में जब कोई पेंसिल रखी होती है, ठीक है, तो हमें कैसी दिखाई देती है? ऊपर उठी हुई, मतलब थोड़ी तिरछी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? तो अपवर्तन के उदाहरण है, यानी अपवर्तन के कारण वह हमें तिरछी दिखाई देती है। जैसे इस तरह से पानी में रखी होती है तो वह हमें थोड़ी सी यहाँ से ऐसी लगती है कि तिरछी, यानी टूटी हुई दिखाई देती है। यानी जब वास्तु तथा प्रक्षेप दोनों अलग अलग माध्यमों में स्थित होते हैं, तब अपवर्तन के कारण वस्तु अपनी मूल अवस्था में कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यानी जब हम देख रहे होते हैं अपनी आँख से, तो जैसे हम वायु माध्यम है मेरा, और जब पानी है तो वो पानी माध्यम, यानी तो हमें पेंसिल तिरछी दिखाई देती है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसी तरह से हमें और भी उदाहरण, जैसे सूर्य तथा सूर्य से पहले सूर्य अस्त के बाद तक दिखाई देना, यानी सूर्य उदय होने से पहले हमें दिखाई देता है और सूर्य अस्त हो जाता है तब भी हमें दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसी तरह से तारों का टिमटिमाना, ऐसे उदाहरण है, तारों का टिमटिमाना का कारण भी क्रमिक वायुमंडलीय अपवर्तन है। जैसे वायुमंडल के जो क्रमिक अपवर्तन है, जैसे तारों का चमकना, टिमटिमाना, प्रकाश का अपवर्तन, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद दिखाई देना, प्रकाश का अपवर्तन, हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसी तरह से पानी पर रखी हुई पेंसिल या वस्तु तिरछी दिखाई देना, जैसा किसके उदाहरण है? अपवर्तन के उदाहरण। इसी तरह से हमारा अपवर्तन चैप्टर क्लियर होता है। इसी तरह से हम आगे भी और भी टॉपिक क्लियर करेंगे। ये हमारा पार्ट टू था। प्रत्येक वीडियो क्रम बाय क्रम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं बेल आइकन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक करें। मेरा मतलब नहीं है, मैं लाइक नहीं मांग रहा हूँ, अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो अच्छी कैसी लगी आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे हमारा क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो और बनाने के लिए, उत्साहित होते हैं जब कमेंट में आप बताते हैं वीडियो कैसी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं बेल आइकन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।